नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मौलिक जैन और आपका स्वागत है हमारे चैनल नवकार सिस्टम्स पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ईएम लॉक के बारे में, जिसको कि हम खोलेंगे स्विच की हेल्प से। जब हम ये नॉर्मल स्विच को यूज़ करते हैं तो होता क्या है कि लॉक तो खुल जाता है, पर जितनी देर के लिए हम बटन दबाते हैं उतनी देर के लिए लॉक खुलता है। पर क्योंकि हमने इस सिस्टम के अंदर एक डिले टाइमर ऐड किया हुआ है, उससे क्या होता है कि जब हम स्विच को दबा करके छोड़ देते हैं तो उसके बाद ये हमारा लॉक कुछ सेकंड्स के लिए, इसमें हमने टाइमिंग सेट किया हुआ है, यहाँ पर पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है जिसको कि हम घुमा करके हमने टाइमिंग सेट किया हुआ है और हम उसको कुछ सेकंड्स का डिले ऐड कर देते हैं। तो उससे क्या है कि जब पर्सन बटन दबाएगा तो लॉक कुछ देर के लिए खुल जाएगा और पर्सन को डोर पे जाने का टाइम मिल जाएगा और वो डोर खोल के बाहर जा सकता है। तो ये जो डिले टाइमर है इसको ऐड करके इसमें हम टाइमिंग को 1 से 10 सेकंड के बीच में एडजस्ट कर सकते हैं। इस पोटेंशियोमीटर को यूज़ करके अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो टाइम हमारा बढ़ जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो टाइम हमारा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये इस वक्त लाइट जल रही है, मैंने बटन को दबा के छोड़ दिया और ये कुछ सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली लॉक हमारा, ये देखिए तकरीबन 3 से 4 सेकंड का इसमें टाइम डिले एडेड है। इस तरीके से आप अपने मैग्नेटिक लॉक को टाइम डिले के साथ यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह के सेट की रिक्वायरमेंट रहती है तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।